हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज चेतन एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स सो आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रिया एयरोस्पेस में वैकेंसी के बारे में और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ही कंपनी में तीन तीन वैकेंसी निकल के आई है तीन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आई है और आज हम ये तीनों पोस्ट डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन हमें पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे एस्ट्रिया एरोस्पेस सर्च करना है एस्ट्रिया एरोस्पेस यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये करियर्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये ये लोग ड्रोन मैनुफेक्चर कर सकते हैं डेवलप्स ड्रोन बेस्ड सोल्यूशन टू प्रोवाइड सो so, आप अभी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी की ग्रोथ कितनी होने वाली है क्योंकि अभी आपको पता है जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसमें भी ड्रोन्स आने वाले हैं जो पार्सल डिलीवर्स होने वाले हैं उसमें भी ड्रोन्स आने वाले हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है ये कंपनी में और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि थ्री वैकेंसीज एक ही कंपनी में आई है तो अगर आप तीनों वैकेंसीज पे अगर अप्लाई करते हो तो आपके चांसेज बहुत बढ़ जाते हैं एक ना एक कंपनी में तो प्लेस होने के लिए चांसेज बहुत बढ़ जाते हैं ओके सो हम यहाँ पर आएंगे करियर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यहाँ पे पूरी कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है आप जब साइट पे आओगे तो ये पढ़ लेना तो ये है हमारी वैकेंसीज मैं आपको पहले हेडिंग्स बता देता हूँ कि कौन सी तीन वैकेंसीज है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जीरो टू वन फ्रेशर्स कैन अप्लाई अगेन टेक्निकल इंटर्न एम अगेन फ्रेशर्स कैन अप्लाई ज़ीरो ईयर एक्सपीरियंस नीडेड इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल जीरो टू टू ईयर्स एक्सपीरियंस अगेन ईयर फ्रेशर्स कैन अप्लाई तीनों हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें क्या रिक्वायरमेंट है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो so ये है पहली वैकेंसी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे गुड वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको यहाँ पे चाहिए एंड एबल टू वर्क इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एज पर कस्टमर डिलीवरीज ओके सो so, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस सेल्फ ड्रीवन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट एंड टीम कंट्रीब्यूटर शाल हैव अ गुड एप्टीट्यूड एंड अ वर्किंग कल्चर मीन्स यहाँ पे जो भी वो जो सुपरवाइजर टाइप जो भी ये रहता है वैसा टाइप आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन तो बी ई बी टेक है कौन सा भी बी ई बी टेक मैकेनिकल ई एन टी सी सी एस सी इनके लिए आई गेस थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेंगी पर आपने अगर कौन सा भी इंजीनियरिंग किया होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए आपके चांसेस रहते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया है ओके रिलेवेंट एक्सपीरियंस जीरो टू वन ईयर फ्रेशर्स कैन अप्लाई डिजायर्ड स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो उन्होंने नॉट अप्लीकेबल दिया है ओके okay, सो so, ये था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में अपन देखते हैं अभी कैसे अप्लाई करना है इस जॉब को यहाँ पे आना है अपलोड योर सी एंड रिज्यूम करना है ये पूरी इंफॉर्मेशन कर देनी और अप्लाई नाव पर क्लिक कर देना है राइट right. तो so, हम जाते हैं अभी हमारे दूसरी वैकेंसी के पास टेक्निकल इंटर्न एम टेक्निकल इंटर्न एम में भी एज एन फ्रेशर्स फ्रॉम अ बी बी टेक गुड वर्बल कम्युनिकेशन बोले तो इनका मेन कम्युनिकेशन गुड वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हर एक इसमें चाहिए वर्क प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड एम डिपार्टमेंट एक्टिविटीज सपोर्ट ई सी CMS PPC work in पी coordination with the department lead. Specific responsibilities भी इन्होंने दी है यहाँ पे and yes this one is also for freshers. Freshers के लिए बहुत अच्छी opportunity है यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि जितने भी ये ये वीडियो देख रहे हैं सबने लाइक तो कर ही देना और क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो ये वीडियो उनके पास तक पहुँचती है जिनको जॉब की बहुत जरूरत है राइट सो so, हम आते हैं अभी हमारी थर्ड वैकेंसी के पास इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल सो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स टेस्ट मटेरियल पार्ट्स बिफोर डूइंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्ट एंड एनश्योर दैट दे कंफर्म टू अर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट दे आर रेस्पॉसिबल फॉर इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग द पार्ट सेमी फिनिश फिनिश प्रोडक्ट्स टू मेक बोले तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ इसका क्या काम है अगर एक आधी प्रोडक्ट फिनिश हो गया है तो उसका जो क्वालिटी उन्होंने कस्टमर के साथ डिसाइड की है वो वो क्वालिटी तक फिनिश्ड हो रहा है कि नहीं जो पार्ट्स आ रहे हैं वेंडर की तरफ से वो बराबर है कि नहीं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो वो प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं और पूरा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर होने के बाद उसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन हो रही है ये सब आपको टेस्ट करना पड़ेगा बाय स्टेप बाय स्टेप ड्यूरिंग इट्स होल प्रोसेस अभी हम देखते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है परफॉर्म्स कम्पलीट ले आउट इंस्पेक्शन बाय मेजरिंग डायमेंशन मैंने बताया था आपको पूरा डिज़ाइन के हिसाब से मेजर करना पड़ेगा हर एक स्टेप में जो डायमेंशन डिसाइड्स है वही डिज़ाइन हो रहे हैं या नहीं है सजा लेंस हाइट डिस्टेंस बिटवीन यस राइट पूरा पूरा सेम वही है गेजेस फॉलोइंग द टेस्ट प्रोसीजर टू परफॉर्म द फंक्शनलिटी टेस्ट फॉर इनकमिंग अलग अलग आपको टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे परफॉर्म द वेरिफिकेशन ऑफ इनकमिंग इन प्रोसेस एंड आउट गोइंग प्रो जो मैंने यही यहाँ पर आपको बताया था जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है उसका भी आपको टेस्ट लेना है जो रॉ मटेरियल पे प्रोसेस हो रहा है तब भी आपको टेस्ट लेना है और जो आउट गोइंग प्रोडक्ट्स है उस पर भी आपको टेस्ट लेना है यस प्रोसेसिंग द जी आर आई एन रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज इन ए आर पी नेक्स्ट ई आर पी मीन्स एंटरप्राइज का सॉफ्टवेयर रहता है टैली टाइप उसमें आपको प्रोसेस भी करना है

रॉ मटेरियल परचेज टीम ही ऑर्डर करती है आप सिर्फ प्रोसेस करते हैं सो so, जो रॉ मटेरियल अनएक्सेप्टेबल है जो आपके टॉलरेंस के बाहर है वो परचेज टीम को रिटर्न भी करना है मीन्स यहाँ पर बहुत सी मल्टीटास्किंग करनी करनी है यहाँ पर आपको पर यहाँ पर एक्सपीरियंस देखिए जीरो टू टू ईर्स मीन्स फ्रेशर्स को भी ये लोग चांस दे रहे हैं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप इसको अप्लाई कर दीजिए इसकी भी सेम प्रोसीजर है अप्लाई फॉर दिस जॉब एक क्लिक करना है आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ई मेल मोबाइल नंबर सब जो जनरल डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फ़िल करनी है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उनका एक्सपीरियंस तो ये थी अपनी आज की अपनी तीसरी वैकेंसी सो so गाइज हम डेली आपके लिए न्यू न्यू वैकेंसीज ले आते हैं आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंचे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए राइट right, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर हमारे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके पास से कोई जॉब नोटिफिकेशन स्किप ना हो जाए कोई मिस ना हो जाए क्योंकि आप जितने जल, जितने ज़्यादा जॉब अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपको चांसेस है कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए सो गाइज ये थी आज की अपनी वैकेंसी सो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग नोट्स